क्या हाल है मेरे प्यारे भाई लोग। सो गाइस, आज हम लोग एक ऐसा पोकेमोन गेम खेल रहे हैं जहां पे हम लोग फ्यूजन कर सकते हैं। यार फ्यूजन जैसे ड्रैगन बॉल जी में होते हैं गाइस, गोकू और वेजिटा जब फ्यूज होते हैं तो बनता है गाइस कौन सा, गोजेटा बनता है ना। तो गाइस यहां पे मैं किसी भी पोकेमोन को लेकर के किसी भी पोकेमोन के अंदर फ्यूज करा सकता हूं। मुझे इतना मालूम नहीं है इस गेम के बारे में, बट गाइस दिस गेम विल बी सुपर फन। तो गाइस चलो इस गेम को शुरू करते हैं, लेकिन गाइस प्लीज अपने बोल भाई के लिए एक जोर से लाइक कर देना, ठीक है। एंड चलो गाइस इस गेम को स्टार्ट करते हैं, लेकिन छोटे से इंट्रो को देखने के बाद। तो चलो गाइस अपना इंफॉर्मेशन डालते हैं। ओके, मेल पैलेट टाउन सब कुछ ठीक है, लेकिन एज 10 नहीं है ब्रो। एज कैसे 10 हो सकता है? अरे वो एक मिनट गाइस, यहाँ पे एज हमें क्या 10 ही रखना पड़ेगा? चेंज नहीं कर सकते हैं क्या? ओके चलो अपना नाम एंटर करते हैं, बोल्ट ठीक है। ओके देन प्रेस एंटर करना पड़ेगा। ओके पर गाइस एज 10 क्यों यार? आई थिंक गाइस एस का एज 10 है, इसलिए गाइस मेरा एज यहाँ पे 10 ही शो करेगा। बट गाइस चलो यार, एज कम होगा तो अच्छा ही होगा ना। ओके ओके सबमिट करते हैं ब्रो। अरे हो गया ब्रो। ओके अरे नहीं 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 अरे नाम चेंज करना है, बोल्ट। ओके डन, अब सबमिट करते हैं। चलो गाइस सबमिट हो जाए यार। यस गाइस डन, कुछ मैसेज आ रहा है, गेम डिफिकल्टी हार्ड में खेलेंगे ब्रो, हार्ड में खेलेंगे, मजा आ जाएगा यार। देखते हैं गाइस अब मुझे कौन रोकेगा। ओके गाइस हम लोग कुछ देख रहे हैं अभी, ये डीएनए स्प्लाइसर, इससे शायद से गाइस फ्यूजन्स होते हैं ठीक है। चलो, this revolutionary new device extracts the DNA of two Pokemon and combines. अच्छा, okay, to create an new species. अच्छा, तो यहाँ पे एक गेंगर है, यहाँ पे एक निडोरन है, तो अगर इन दोनों का अभी मिलन हो जाएगा, फ्यूजन हो जाएगा, तो यार क्या मिले? अरे ये क्या हो गया भाई? Fused Pokemon can learn moves from both halves, which gives them an edge over a repeat. तो कैसे, अगर गेंगर एक घोस्ट टाइप पोकेमोन है, निडोरन एक नॉर्मल पॉइजन टाइप है, तो गाइस दोनों अगर फ्यूज हो जाएंगे तो गाइस ये जो न्यू फॉर्म आप लोगों को देखने को मिल रहा है, ये गाइस घोस्ट टाइप मूव भी मार पाएंगे यार, मजेदार ब्रो। एंड यू कैन नाउ ट्राई इट ऑन योर वेरी ओन पोकेमोन। ओके नाउ अवेलेबल फॉर परचेज एट एवरी पोकेमार्ट। अच्छा गाइज ये चीज मैं एवरी पोकेमार्ट में खरीद पाऊंगा। ओके तो गाइज यहाँ पे फाइटिंग हो रहा है, तो मैं कौन सा? अच्छा मैं आ गया हूँ, ये मेरा घर होगा शायद से, मजा आएगा गाइज। ओके ये है मेरा रूम। ओके ओके गाइज तो अभी मुझे नीचे जाना पड़ेगा, सो चलो नीचे चलते हैं। ओके अब ये कौन है? वी रिसीव अ लेटर फ्रॉम यू फॉर यू, इट्स फ्रॉम द पोकेमोन लीग। अच्छा हियर ओपन इट। तो यहाँ पे मैं जिम ट्रेनर हूँ कि नहीं? वी आर प्लीज टू अनाउंस दैट योर पोकेमोन लीग एप्लीकेशन हैज बीन एक्सेप्टेड। ओरे वाओ, यू आर हियर बाय रिकॉग्नाइज एज एन ऑफिशियल पोकेमोन ट्रेनर। ओके यू कैन नाउ अर्न बैजेस टू टेक पार्ट इन द पोकेमोन लीग चैनल। अच्छा गाइस हाँ, यहाँ पे जिम बैटल करना पड़ेगा, मजा आएगा गाइस, इस बार तो फ्यूजन कर करके गाइस पोकेमोन जिम बैटल्स करने वाले। यू विल find your trainer card attached to this later. Okay, we wish you the best of luck, the Pokemon League admission board. Okay, मुझे ट्रेनर कार्ड मिल चुका है गाइस। सो व्हाट डिड इट से? दे एक्सेप्टेड योर पोकेमोन ट्रेनर एप्लीकेशन, बोल दैट्स अमेजिंग, आई एम सो प्राउड ऑफ यू, थैंक यू सो मच मॉमी। ओ इज़न्ट दैट बॉय नेक्स्ट डोर रिसीविंग हिज फर्स्ट पोकेमोन टुडे एज वेल? आई ओवरहर्ड प्रोफेसर ओक टॉकिंग अबाउट इट। ओके हम व्हाट इज दैट नेम दैट एवरीवन कॉल्स हिम अगेन? अच्छा मैं अपना राइवल का नाम ब्लू रख दूं क्या? चलो गाइस ब्लू ही रख देते हैं। ओ यस दैट्स राइट, वेल आई एम श्योर दैट यू एंड ब्लू विल हैव अ टॉन ऑफ फन ऑन योर पोकेमोन जर्नी टुगेदर। ओके वेल दैट्स इट डियर, आई एम नॉट होल्डिंग यू हियर एनी लॉन्गर, गो हैव फन ऑन योर ओन एडवेंचर। गाइस इस बार कसम खा के बोल रहा हूँ गाइस, मुझे भी ये एडवेंचर करने को एकदम बेसब्री से इंतजार हो रहा है, क्योंकि गाइस इस बार मुझे पोकेमोन फ्यूजन्स देखने को मिलेंगे ना। एंड गाइस हियर ही इज गाइस, यहाँ पे ब्लू आ चुका है। ओके गेस हु जस्ट गॉट एक्सेप्टेड एज एन official Pokemon trainer? That's right, me. Main bhi ho gaya bro. Oh, you got a letter too? I'm surprised that they let you in. I'm assumed that they had higher standards. Well, I guess there's no point in bragging about mine now then. Achha guys, ye mere ko yaar insult kar raha hai ki yaar wo logon ne tere ko accept kar liya bhai. Mere ko laga tha ki tu accept nahi hoga kyunki wo thode se high standards ke log hai. Bhai yaar main isko band bajane wala hu blue ko, theek hai. Anyway, Grams told me he's going to give me my first Pokemon. He went to Viridian City to run an errand, but he told me to wait for him at the lab. Okay? See ya. ओके बाय बाय। चलो गाइस ये तो भाग चुका है, अब गाइस मुझे भी पोकेमोन लैब में जाना है, तो मुझे इस तरफ से ही जाना पड़ेगा। नो इस तरफ से नहीं, व्हाट द हेल इज दिस गाइस? पोकेमोन और प्रोफेसर ओक रिसर्च लैब। अच्छा यहां पे ही मुझे मिलेगा। चलो गाइस घुसते हैं अंदर। अरे घुस जा यार,
ओके गाइस, हम लोग आ गए हैं, ये है प्रोफेसर ओक का लैब। बहुत दिनों के बाद ऐसे गाइस पोकेमॉन गेम खेल रहा हूँ जहाँ पे ग्राफिक ऐसे है, अरे मैं फिर से बाहर आ गया हूँ। बट गाइस ये गेम काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि जो दूसरा गेम, जो दूसरे हाई ग्राफिक वाले गेम्स नहीं कर सकते, ये गेम करके दिखाया, क्योंकि यहाँ पे पोकेमॉन फ्यूज हो सकते हैं। ऑलराइट प्रोफेसर ओक, वेयर आर यू? ये तो गैरी है ना। ग्रैम्स टोल्ड मी टू वेट फॉर हिम हियर। अच्छा ये ब्लू ही है, स्टॉप बॉर्डरिंग मी। अच्छा तो यहाँ पे मैं पोकी बॉल्स भी सिलेक्ट कर सकता हूँ क्या? दिस इज प्रोफेसर ओक्स पोकी बॉल, बेटर नॉट टच इट। तो भाई कुछ नहीं कर सकते, तो इधर से निकल लेते हैं ब्रो। अब ये प्रोफेसर ओक कहाँ पे हो सकता है? आई हैव टू फाइंड प्रोफेसर ओक, राइट? तो यहाँ पे घास फूस में चलो। ओके बोल्ट, ओके आ गया प्रोफेसर ओक। केयरफुल, आई स्टॉप यू जस्ट इन टाइम। देयर आर होस्टाइल पोकेमॉन दैट वे, इज डेंजरस टू गो विद अ पोकेमॉन। स्पीकिंग ऑफ व्हिच, आई ऑलमोस्ट फॉरगॉट, इजंट टुडे द डे यू आर सपोज टू रिसीव योर फर्स्ट पोकेमॉन? यस, कम फॉलो मी टू माय लैब, इट विल बी बेटर टू टॉक देयर। अच्छा चलो गाइस, मैं आ गया हूँ प्रोफेसर ओक के साथ। इट्स टाइम फॉर यू टू सेट आउट ऑन योर जर्नी। तो हम दोनों को अभी चूज करना पड़ेगा अपना पहला पोकेमॉन। गो एंड ग्रैब योर पोकेमॉन ऑफ द टेबल। अच्छा नो फेयर, व्हाई डज बोल्ट ऑलवेज गेट टू पिक फर्स्ट? क्योंकि यार बोल्ट इज ऑलवेज फर्स्ट। तो गाइस इस बार के लिए गाइस एक लाइक तो बनता है ना दोस्तों। यू विल गेट 1-2 ब्लू, बी पेशेंट। ओके तो गाइस मैं कौन सा वाला पोकेमॉन? दिस चार्मेंडर। गाइस मैं बिना सोचे समझे मैं चार्मेंडर को ही चूज करने वाला हूं, बिकॉज गाइस चार्मेंडर बनता है गाइस चारिज़ार्ड, एंड गाइस क्यों चूज नहीं करेंगे, है ना? डेफिनेटली। एंड ये कौन सा चूज करेगा? DNS splicer Dewert। ओके वेल ग्रैम जस्ट गॉट मी वन ऑफ दिस न्यू DNS splicer Dewert टॉकिंग अबाउट ऑन टीवी। अच्छा इसके पास DNS splicer है गाइस, जिसके सहारे ये फ्यूजन करा पाएगा गाइस पोकेमॉन को। तो मेरे पास तो वो है नहीं ना, मेरे को भी दे दे यार। सो आई गेस आई विल टेक द अदर टू एंड ट्राई इट आउट ऑफ देम। और ये दोनों पोकेबॉल से लेकर के जाने वाला है ब्रो? नो, दिस इज नॉट इवन पॉसिबल मैन। बट ले गया गाइस। यस, DNS splicers आर यूज्ड टू कंबाइन द DNA ऑफ टू पोकेमॉन टुगेदर टू क्रिएट एन एंटायरली न्यू स्पीसीज ऑफ पोकेमॉन। इट वर्क्स ऑन एवरी पोकेमॉन ऑफ कोर्स। आई वुड गिव यू सम एज वेल बोल्ड, बट अनफॉर्चुनेटली दिस वॉज माई लास्ट पेट। तो गाइस मुझे भी शायद से DNS splicer मिल जाएगा, बट गाइस मुझे दूसरा एक पोकेमॉन को पकड़ना पड़ेगा, फिर गाइस मैं DNS splicers को यूज कर पाऊंगा। ठीक है, गुड लक ऑन योर जर्नी। ओके तो अरे Not so fast ball. Let's have a battle to see how much stronger a Pokemon gets when it's fused. Okay, with another one. तो guys मैं तो hard में खेल रहा हूँ। तो guys अभी ये fusion करके मेरे साथ battle करने वाला है। I don't know what is going to. अरे, so guys अभी मैं battle कर रहा हूँ, जैसे कि देख पा रहे हो guys अभी ये Squirtle नहीं है guys, ये Bulbasaur और Squirtle का mix है, Squirtsaur. Level 6 का है. And I don't know guys, can I defeat him? चलो guys मैं scratch दबा के देखता हूँ। अरे गाइस मैं हारूंगा शायद से, ये ग्रॉल यूज कर रहा है, मैं फिर से स्क्रैच ही यूज करूंगा, क्योंकि मेरे पास स्क्रैच के अलावा और कुछ है ही नहीं। ओके गाइस दूसरे मूव यूज करने के लिए। ओके यहाँ पे ओके फाइट अगेन यू स्क्रैच। ओके गाइस आई थिंक मैं स्क्वाट सॉर्ड को हरा दूंगा। चल फिर से स्क्रैच यूज कर। ओ ये टैकल यूज कर रहा है, और एक बार स्क्रैच यूज कर। अरे अरे मैं हार गया यार, शिट गाइस मैं पहला मुकाबला हार चुका हूं। हाँ आई ऑलवेज न्यू आई वाज बेटर। आई एम गोइंग टू कैच सम मोर पोकेमॉन टू सी इफ आई कैन गेट देम टू बी स्ट्रॉन्गर देन दिस वन। अरे हारेंगे ही ना गाइस, उसके पास दो पोकेमॉन फ्यूजन है यार। एनीवे आई एम ऑफ टू कलेक्ट जिम बैजेस, स्मेल या लेटर इसको तो डेफिनेटली मैं हराने वाला हूँ गाइस। बोल बिफोर यू लीव, कुड यू प्लीज डू मी अ फेवर? ओके आई नीड यू टू पिक अप अ पार्सल एट वेरिडियन सिटीज पोकेमॉन फॉर मी, इट जस्ट डाउन द रोड, बट आई फॉरगॉट टू पिक इट अप अर्लियर। मेरे को यार DNS splicer चाहिए था यार बेटे। गाइस मैं अपना पोकीबॉल बैग कैसे खोल पाऊंगा? पोकी बैग खोलने के लिए कौन सा स्विच? ओके तो यहाँ पे बैग में जाते हैं, देख सकते हो मेरे पास कुछ भी नहीं है गाइस, अपने नाटिन को दे दिया गाइस। ये डिबगर यूज दिस टू रिटर्न टू द लास्ट पोकेमॉन सेंटर। अच्छा तो ये तो बढ़िया चीज है, अपने नाटिन को दे दिया गाइस DNS splicer, बट मेरे को नहीं ब्रो, दिस इज नॉट हैपनिंग। बट गाइस क्या ही कर सकते हैं, लेट्स गो। ओके गाइस मैंने यहाँ पे रनिंग चूज करा, बट गाइस मैं एक चीज समझा नहीं कि यहाँ पे डिफॉल्ट लिखा हुआ है गाइज वॉकिंग एंड रनिंग। मैं अगर वॉकिंग पे सेट करूंगा तो मुझे दौड़ने के लिए वापस कौन सा वाला स्विच दबाना पड़ेगा, मुझे देखना पड़ेगा। एक एक स्विच दबा करके देखते हैं, नॉट दिस वन। ओके ई दबा के हम लोग दौड़ सकते हैं आप, तो ये बढ़िया है। ओके लेट्स गो लेट्स गो। ओके अगर मेरे पास पोकी बॉल्स होते तब तो बढ़िया होता यार, बट गाइज क्या कर सकते हैं, मेरे पास पोकी बॉल्स है नहीं ना। Hi, I work at a Pokemart Mart. It's a convenient shop, so please visit us in Raiden City. Here, have a sample. Achha, potion mila. Bhai, mereko DNS splicer chahiye tha. Let's go. Okay, guys. Hey, guys. Hoot. Okay, Charmander. Tu yaar last mukabla haar gaya tha, but this time you have to win, okay? Gold use kare. Phir se scratch use kar, okay? Are, bro. Okay, kya kar raha hai, bro? Chal, scratch use kar. ये क्या कर रहा है गाइस? ओके अब मैं हुट को तो डेफिनेटली हरा पाऊंगा, पर गाइस ओके हरा दिया
ओके गाइस 53 एक्सपी पॉइंट्स मिला गाइस, लेवल 6 का हो चुका है मेरा चार्मिंदर। ओके इनके साथ बात करके देखते हैं। हेलो, हे, आर यू ए पोकेमॉन ट्रेनर? आई एम ए न्यू ट्रेनर टू। We should have our Pokemon battle each other to make them stronger. अच्छा ठीक है, चलो बैटल करते हैं गाइस। दूसरा बैटल, इस बार दूसरा बैटल नहीं हारना है यार गाइस, ये थोड़ा सा खतरनाक है यार, ये फैन मेड पोकेमॉन गेम्स का। ए भाई हारेंगे ब्रो। अरे गाइस मुझे एक काम करना पड़ेगा, मेरे पास एक पोशन है ना, मैं इसको पिला देता हूँ गाइस चार्मेंडर को। अब गाइस फुल हो गया, अब गाइस चल, अरे नहीं बैक हो, बैक हो। ओके चलो गाइस स्क्रैच मारते। ओके 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 चलो, नो 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 गाइस, क्या मैं जीतूंगा? यस गाइस मैं जीत चुका हूँ। यस यस गाइस मैं लेवल 7 का हो चुका हूँ यार। ओ मैं एम्बर भी सीख गया हूँ, मैं एम्बर भी सीख गया हूँ यार, वाओ लेट्स गो। ओ गाइस यहाँ पे तो एक पोकी बॉल है, चलो इस पोकी बॉल को ले लेते हैं। ओरन बेरी, अरे यार फिर से गाइस एक वाइल्ड पोकेमॉन यार। रेटाटा भाई चल फाइट करना है तेरे को, डर नहीं लगता तेरे को? ये ले एम्बर, वाओ। और ये क्या कर रहा है? चल अब तेरे को स्क्रैच मार के उड़ा देता हूँ रेटाटा। एंड गाइस मुझे फिर से एक्सपी पॉइंट्स मिले। नहीं तो गुस्सा आ जाएगा ब्रो। ओके फाइट करते हैं, अब फिर से गाइस मैं एम्बर यूज करने वाला, एम्बर एंड वन शॉट नहीं बोल पाया ना। चल चल ठीक है, फिर से मैं एम्बर यूज करूंगा तेरे ऊपर। ओके 18 एक्सपी पॉइंट्स, चलो गाइस अब तो इधर से भाग ही जाते हैं। गाइस कितना दूर लगेगा यार? अरे गाइस मुझे यार फिर से यार वाइल्ड पोकेमॉन्स मिलेंगे क्या? 1 2 शिट मैन, अभी वाइल्ड पोकेमॉन नहीं चाहिए रहता था। नहीं 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 रहता था, मुझे रन करना पड़ेगा। ठीक है लेट्स गो गाइस, आई थिंक आई एम इन वेरिडियन सिटी। ये बॉय हम लोग वेरिडियन सिटी आ गए। एंड व्हाट इज दिस, पोकेमॉन सेंटर? यस नॉट जॉय, प्लीज जल्दी से मेरे पोकेमॉन को रिवाइव करा के दो यार। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो वेरी मच। अब गाइस मुझे जाना पड़ेगा पोकी मार्ट पे, मार्ट बोल रहा हूँ गाइस, पोकी मार्ट पे। व्हाट इज दिस, पोकेमॉन एकेडमी, लर्न ऑल देयर इज टू नो अबाउट पोकेमॉन। अच्छा एंड आई थिंक दिस इज पोकी मार्ट। यस ओके तो इनके साथ बैटल करना पड़ेगा। ये पार्सल फॉर प्रोफेसर ओक, यस ऑफ कोर्स आई हैव गॉट इट राइट हियर, यू ऑब्टेन पोकेमॉन पोकी, सॉरी गाइस ओक पार्सल। ओके 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 गिविंग आउट फ्री डीएनएस स्प्लाइसर विद एवरी पार्सल, सो हियर यू गो। अरे गाइस मुझे डीएनएस स्प्लाइसर मिल गया, क्योंकि गाइस मैं अभी पार्सल डिलीवर करने वाला हूं ना, तो इसलिए गाइस मुझे डीएनएस स्प्लाइसर मिल गया। एक मिनट, क्या इनके पास पोकी बॉल्स भी खरीदने के लिए है? मेरे पास पोकी बॉल्स है नहीं ना, तो लेट्स गो गाइस, अब मुझे फिर से भाग भाग के जाना पड़ेगा। चल नो 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 नो, चल तेरे को लड़ना है, चल एम्बर मारते इसको, वन शॉट बोलते, बाय बाय ब्रो। इस बार तो जंप कर करके ही निकल जाएंगे। ये बॉय हर रास्ते में हर कदम पे मेरे को पोकेमॉन्स नजर आ रहे हैं, बट इट्स ओके गाइस, माइम जूनियर है गाइस। ओके स्क्रैच मारते एंड खत्म, माइम जूनियर भी खत्म। एंड इसी के साथ गाइस मैं लेवल 8 का हो चुका हूँ, यहाँ से तो जा नहीं पाएंगे, पूरा ऐसे भाग के जाना पड़ेगा। लेट्स गो, ओके लेट्स गो, प्लीज पोकेमॉन मत निकल। ओके तो गाइस मैं प्रोफेसर ओक के लैब में पहुंच चुका हूँ। ओके ओके प्रोफेसर ओक, ओ बोल हाउ इज माय ओल्ड पोकेमॉन डूइंग? वेल इट सीम्स टू लाइक यू अ लॉट, व्हाट यू हैव समथिंग फॉर मी, बोल डिलीवर्ड ओक्स पार्सल। ओके दिस इज द कस्टम पोकेबॉल आई ऑर्डर्ड, ओके थैंक यू, and I can see they give you some DNS splicers as well, how convenient, but of course you'll need a second Pokemon before you can use it, here I'll give you some Pokeballs so you can catch some Pokemon to try it on. Oh guys mujhe Pokeballs mil chuke, you can always unfuse your Pokemon if you don't like the result of course. Acha guys agar hum log fusion karne ke baad wo fusion pasand nahi aata hum log ko, to hum log wapas se unfuse kara sakte hain. This is so good man. There's also another thing, kya I forgot to give you your Pokédex before you headed out earlier. Okay, Bolt obtained a Pokédex. मुझे Pokédex मिल चुका है. I already gave my grandson his before he left. Okay, the Pokédex automatically records Zetaon Pokémon. ये सब तो मुझे पता है bro. There are now, भाई there are now 1,75,000, 1,75,000 species of Pokémon thanks to Pokémon Fusion. So I cannot possibly accept you to complete it. मतलब guys यहाँ पे जो Pokémon game है, यहाँ पे हम लोग को भिन्न-भिन्न प्रकार के Pokémon देखने को मिलेंगे. I think guys generation 6-7 सारे के सारे हम लोग को Pokémon देखने को मिलेंगे यार. Wow. Now go your journey to the Pokemon League starts now. Okay, let's go boy. Guys, हम लोग बाहर आ चुके हैं. अब guys फटाक से एक Pokemon को पकड़ते हैं and then guys fusion कराएंगे. Fusion हो करेंगे bro अभी. अरे wow, Pidgey के साथ guys Charmander का अगर fusion करेंगे तो मजा आएगा ना. तो चलो पहले तो Ember मारते and then guys I'm gonna catch this Pidgey. चलो use करते हैं Pokeball. आजा. 1 2 3 आ गया bro, आ गया. अब 36 एसपी पॉइंट्स भी मिलेंगे. अब गाइस मैं काम करने वाला हूँ, इन दोनों को फ्यूजन कराने वाला हूँ. नो तो गाइस मुझे फ्यूजन कराने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले तो शायद बैग में जाना पड़ेगा एंड देन गाइस पोकेमॉन में जाना पड़ेगा. अब इन दोनों को व्हाट द हेल,
कैसे कर पाएंगे ब्रो? बैग में जाना पड़ेगा। स्प्लाइसर यूज करते हैं, चलो इसके ऊपर एंड इसके ऊपर। ओ गाइस, इन दोनों के ऊपर अभी मैं डीएनएस स्प्लाइसर यूज करने वाला हूं। तो फायर फ्लाइंग चाहिए कि फ्लाइंग फायर चाहिए? आई थिंक गाइस दोनों तो दोनों एक जैसा नहीं है क्या? फायर फ्लाइंग, फ्लाइंग फायर, ये फ्लाइंग इसमें आगे है और इसमें फ्लाइंग पीछे, इसमें अंतर क्या है ब्रो? पर आई थिंक दोनों में कुछ ना कुछ तो अंतर होगा। आई थिंक गाइस ये मुझे बनाना चाहिए, चलो बनाते हैं। देखते हैं गाइस ये क्या बनेगा। अभी बन ले गाइस, कुछ ना कुछ तो होने वाला है गाइस, कुछ ना कुछ तो होने वाला है। अरे कांग्रेचुलेशन, योर पोकेमॉन वर फ्यूज इनटू पिडमेंडर। नाम काफी फनी है यार। पिडमेंडर डेटा वाज एडेड टू द पोकेडेक्स। फ्लाइंग फायर टाइप पोकेमॉन पिडमेंडर। अच्छा तो ब्लेज है इसके पास एबिलिटी एंड गाइस कीन है। अरे भाई ये हेडफोन अटक गया, एक मिनट गाइस। ओके ओके तो गाइस नेचर बैशफुल, मतलब ये क्या है, बोल्ड करेंगे ब्रो। एंड कीन आई प्रिवेंट्स अदर पोकेमॉन फॉर लोअरिंग एक्यूरेसी। अरे ना ब्लेज और बोल्ड, ये कंबाइंड मूव सेट कीप चार्मेंडर। कंबाइंड मूव सेट करेंगे ब्रो, जो पीजी का मूव सेट है वो चार्मेंडर के मूव सेट से अभी कंबाइन होने वाले। गाइस मैंने लिटरली कैप को घुमा लिया, आप लोग इसका मूव चेक कर सकते हो। गाइस स्क्रैच आ गया, ग्रॉल आ गया, ये तो था ही गाइस। ग्रॉल था कि नहीं गाइस वो मैं भूल चुका। एम्बर एंड टैकल एंड गाइस ग्राउंड अटैक, एक न्यू मूव। ओके 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 आई एम गेटिंग इट। तो शायद से अभी गाइस एक अटैक को हटाना पड़ेगा, तो डेफिनेटली गाइस ग्रॉल को हटाते हैं। सैंड अटैक में सीख गया हूं एंड पिटमेंडर आ गया मेरे पास। ओके ब्रो पिटमेंडर इज हियर। मजेदार ब्रो, मजेदार मजेदार। तो चलो गाइस और भी पोकेमॉन्स को पकड़ने वाले एंड देन गाइस डीएनएस स्प्लाइसर से मैं उन लोग को भी यार फ्यूज कराने वाला हूं। ठीक है आप देखते हैं। अरे ये डेड गए गाइस, ये तो पिजियोट और गाइस रेटाटा का इवोल्यूशन फॉर्म है, मतलब फ्यूजन फॉर्म है। तो चलो गाइस पहले तो मारते हैं इसकी, ऐसी की तैसी बजाएंगे। ठीक है इसको चलो एम्बर मारते हैं। ओके ओके अब ये टेल व्हिप मार रहा है गाइस, चलो तुरंत इसको पकड़ लेंगे एंड इन दोनों को मैं अनफ्यूज कराने वाला हूँ डेन। ठीक है क्योंकि गाइस मुझे डीएनएस स्प्लाइसर चाहिए एंड गाइस ये रेड गे मेरे को पसंद नहीं आ रहा है ब्रो, एकदम भी पसंद नहीं आ रहा है। ओके चलो जी निकनेम, नो आई डोंट वांट टू गिव निकनेम। अब गाइस एक काम करते हैं, फिर से ये खोलते हैं बैग को एंड देन गाइस मुझे जाना पड़ेगा। ओके डीएनए। अरे ओके नो आई थिंक पोकेमॉन में जाना पड़ेगा, फिर इस पे जाना पड़ेगा एंड देन गाइस आइटम में होगा शायद से, नहीं क्या फिर इन दोनों का। मैं एक मिनट गाइस मुझे शायद से स्विच, नहीं गाइस मुझे शायद से डीएनएस स्प्लाइसर खरीदना पड़ेगा, तब जाकर के गाइस मैं इन दोनों का रूफ फिर से नॉर्मल करा सकता हूँ। ओके गाइस तो चलो आगे बढ़ते हैं। ओके गाइस मुझे एक न्यू पोकेमॉन फिर से मिल गया, न्यू मतलब पोकेमॉन मिल गया। ठीक है चलो गाइस पिडमेंडर आ गया इधर। गाइस आप लोग को ये पिडमेंडर कैसा लग रहा है डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बताना। मैं एक काम करूंगा, मैं कुछ डीएनएस स्प्लाइसर यूज करने वाला हूं, मतलब खरीदने वाला हूं एंड देन गाइस मैं इन दोनों को फिर से अनफ्यूज कराने वाला हूं एंड गाइस वो जो पहला था गाइस फ्लाइंग फायर वो क्या होने वाला है वो भी देखने वाला हूं। ठीक है ओके मैं वेरिडियन सिटी ऑलमोस्ट पहुंचने वाला हूं। ओके अरे यार फिर से एक पोकेमॉन। ओके पीजी आ गया इधर पिडमेंडर। ओके आई एम गोना यूज एम्बर। ओके ये टैकल यूज कर रहा है, चलो सैंड अटैक यूज करते हैं। अब गाइस ये टैकल यूज कर रहा है, चलो गाइस अब मैं एम्बर मारूंगा एंड गाइस ओरे गाइस खतरनाक चीज हो रहा है एम्बर। ओके खत्म, 28 एक्सपी मिल चुका है। गाइस मैं पहुंच चुका हूं वेरिडियन सिटी। अब मैं फटाक से एक काम करता हूं, पहले तो जाता हूं ये पोकेमॉन सेंटर था ना, पोकेमॉन सेंटर में पहले अपने पोकेमॉन को हिलाप करा लेता हूं। ओके ओके जल्दी से नर्ट जॉय प्लीज मेरे पोकेमॉन को हिलाप करा दो। ओ ये बॉय तो हिलाप हो चुके हैं, तो इधर से निकलता हूं एंड नाउ गाइस आई एम गोना गो टू द पोकेमार्ट। ये है पोकेमॉन मार्ट। ओके एंड चलो गाइस अब खरीदते हैं बाय। डीएनएस प्राइसर 300 का है मेरे पास। ओके कुछ खरीद लेते हैं गाइस, 6 डीएनएस प्राइसर खरीदने वाला हूं। ओके खरीद चुका हूं मैं। अब गाइस चलो बैग करते हैं। ओके नो आई डोंट वांट एनीथिंग। चलो अब गाइस फिर से खोलते हैं बैग एंड देन गाइस आई एम गोना यूज डीएनएस प्राइसर। ये यूज करने वाले हैं इन दोनों के ऊपर। ओ यस अनफ्यूज करने वाले हैं, यस अनफ्यूज करते हैं देखते हैं। ओके अनफ्यूज हो जाए। ओके ये लोग अनफ्यूज हो गए। अब गाइस मैं पिजी और ये पिडमेंडर को इन दोनों को फिर से मैं अनफ्यूज कराने वाला हूँ। ठीक है करो करो अनफ्यूज करो। ओके नाउ गाइस मैं क्या करने वाला हूँ, फिर से डीएनएस स्प्लाइसर यूज करने वाला हूँ। इस बार चार्मेंडर एंड गाइस पिजी को अपने इस वाले लेवल 6 वाले पिजी को करेंगे, बट गाइस दिस टाइम आई एम गोना मेक दिस वन फायर फ्लाइंग वाला। ठीक है तो चलो बनाते हैं। अब देखते ये कैसा दिखेगा गाइस। बन जा बन जा। अरे ये तो अद्भुत है ब्रो,
ये तो अद्भुत दिखाई दे रहा है यार, टाइनी लिजर्ट पोकेमॉन का वो पहला ही अच्छा था यार। एंगल फीट, व्हाट इज दिस, रेजेस इवेशन इफ द पोकेमॉन इज कंफ्यूज, ब्लेज, ओके नहीं गाइस पहला वाला ही ठीक था। ठीक है कंबाइंड के कंबाइंड मूव से ही करते हैं ओके तो एक मिनट यार, एम्बर तो डेफिनेटली रखना ही पड़ेगा गाइस। ये क्या बन गया गाइस, चार गे गाइस, मेरा तो डीएनएस स्प्लाइसर इन दोनों को फ्यूज अनफ्यूज करने में ही चला गया यार। अनफ्यूज करते हैं एंड वेट अ सेकंड गाइस, ये मैं फिर से करने वाला हूँ, डीएनएस स्प्लाइसर फिर से यूज करने वाला है एंड दिस टाइम फिर से गाइस, ओ इस बार मैं गाइस पीजी को सिलेक्ट करता हूँ एंड देन गाइस चार्मेंडर को ये यही बनाते हैं गाइस, यही बेस्ट है। ठीक है बन जा बन जा बन जा बन जा बन जा, बन गया गाइस पिडमेंडर, ये पिडमेंडर ही सही है ब्रो। चलो एंड यहाँ पे ब्लेस था, अरे काम नहीं था यार, काम नहीं था कंबाइंड मूव सेट ओके, ग्राउंड अटैक सैंड अटैक, सैंड अटैक था इसके जगह ओके, आई एम गोना यूज सैंड अटैक, नो नो ग्राउल के जगह रिप्लेस करेंगे ओके डन ओके। तो गाइस आज का एपिसोड मैं इधर ही एंड करना चाहूंगा गाइस, आप लोग को अगर इसका पार्ट टू देख रहे हैं तो इस वाले वीडियो में आ जाने चाहिए 1000 लाइक, ज्यादा नहीं 1000 लाइक्स ठीक है ना। आप लोग कमेंट करो, ढेर सारे भाई लोग को कमेंट करना पड़ेगा ओपी पोकेमॉन फ्यूजन, ठीक है ऐसे करके ओपी पोकेमॉन फ्यूजन कमेंट कर देना तो डेफिनेटली इसका नेक्स्ट पार्ट शायद से आप लोग कल देखने को मिल जाएगा, कल तो आर्क वाला वीडियो आएगा ही, साथ ही साथ गाइस दोपहर को इसका वीडियो भी आ सकता है। ठीक है मिलते हैं गाइस अगले वीडियो में, बाय बाय। Very best, like no one ever was. To catch them is my real test, to train them is my call.